Good evening and praise the Lord, dear brothers and sisters, and everyone who is listening this Bible study. परमेश्वर की स्तुति हो. आज की शाम आप सभी लोग का स्वागत है जो लोग इस बाइबल अध्ययन में सुन रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं. I hope all of you understand the importance and the necessity of studying God's word. और मेरी आशा यही है कि आप सभी लोग इस बात की आवश्यकता को समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है बाइबल का अध्ययन करने के लिए. So tonight may the Holy Spirit enrich your understanding. So आज की शाम होने पाए कि पवित्र आत्मा आपके समझ और ज्ञान को प्रेरित करे. We are studying from the book of Corinthians, 1 Corinthians letter written by Apostle Paul to the Corinthian church. और इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं पौलुस की पत्री, पहली पत्री जो कोरिंथ कलीसिया को लिखी थी. We are in chapter 12 which talks about the gifts of the Holy Spirit. और हम 12वें अध्याय को देखेंगे जहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा है. The Corinthian church did not lack any gifts. और कोरिंथी कलीसिया में किसी भी वरदान की कमी नहीं थी. But in spite of the fact that the Holy Spirit was active in that church also was a church that is full of problems. लेकिन जबकि पवित्र आत्मा के वरदान बहुतायत से उस कलीसिया में पाए जाते थे, लेकिन फिर भी उस कलीसिया में हम बहुत से समस्याओं को भी देखते हैं. There was divisions and there was confusions and there was misunderstanding concerning especially the operation of the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों के कार्य करने के ऊपर बहुत से भ्रम पाए जाते थे और बंटवारे पाए जाते थे और लोगों के बीच में समझ नहीं था. And we will read from the 12th chapter this evening of 1 Corinthians from verses 4 to 11. और आज की शाम आइए हम बाइबल को खोलें और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 4 पद से 11 पद तक. This passage answers many of the questions about the spiritual gifts. और इस भाग में हम बहुत से उत्तरों को पाएंगे जो जिस सवाल उठते हैं पवित्र आत्मा वरदानों के ऊपर. And there are 4 things to consider. और चार बातें हम यहाँ देखेंगे. The unity of the gifts. और वरदानों का एकता. The purpose of spiritual gifts. आत्मिक वरदान के जो उद्देश्य हैं. The list of different gifts. और अलग अलग वरदानों के जो सूची है. Then the unity of the spiritual gifts restressed. और फिर पवित्र आत्मा के वरदान जो है उसका जो एकता है, जो संबंध है, उसको उस पर हम जोर लगाएंगे. So we shall read this passage first to refresh our memory. So आइए हम इस भाग को पहले पढ़ेंगे. So open your Bibles and follow the reading of this word. और इसलिए आप सब लोग अपने बाइबल को खोल सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 पद से लेके 11 पद तक. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है. I am sure you all have followed the reading of God's word.
मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने बाइबल में इसको पढ़े होंगे. Now let us talk about what this passage actually talk. अब हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि इस भाग में लिखा क्या है. The unity of the spiritual gifts. आत्मिक वरदानों का एकता. That is the first thing we are going to consider. ये पहली बात हम देखेंगे. Apostle Paul moved by the Holy Spirit. पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर. And stressed the point very emphatically that there should be no pride. और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि घमंड नहीं होना चाहिए. And there should be no controversy. और बात विवाद नहीं होना चाहिए. And no division. कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए. These things should not be there over spiritual gifts. और ये सारी बातें आत्मिक वरदानों के ऊपर नहीं होना चाहिए. And so three very simple yet profound reasons are given. और तीन बहुत साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं. Why there should be no pride, no controversy or no division. क्यों कोई घमंड या झगड़ा या कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए. All over spiritual gifts. ये सारी बातें आत्मिक वरदानों के ऊपर. Number one reason. पहला कारण ये है. There are different gifts, but they all come from the same Spirit. अलग अलग वरदान है लेकिन वो सब एक ही आत्मा से उत्पन्न होती है. It is the Spirit which determines what gift to give to a believer. और ये पवित्र आत्मा ही निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन सा वरदान किस विश्वासी को देना चाहिए. It is not even the believer. और ये विश्वासी भी निर्धारित नहीं कर सकता है. But here the Holy Spirit is completely in control and completely the determining fact. लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा ही एकमात्र है जो इस बात को चुनेंगे कि कौन सा वरदान किस व्यक्ति को देना. He determines whom to use. और वो ही निर्णय करेंगे कि किसको इस्तेमाल करना है. It is not the believer's choice. ये विश्वासी का चुनाव नहीं है. The choice is entirely of the Holy Spirit. लेकिन ये चुनाव पूरे पवित्र आत्मा के ऊपर है. No man is actually worthy to earn merits or deserves a spiritual gift. और किसी भी आत्मिक वरदान को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को योग्य नहीं समझ सकता है. The gift is given freely. क्योंकि ये वरदान जो है मुफ्त में दिया जाता है. And it is given by the Spirit as He wills and determines. और ये उस आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं और जिसको वो चुनते हैं और जिसके ऊपर वो देना चाहते हैं. He and He alone is the source of these gifts. और क्योंकि पवित्र आत्मा ही इन सारे वरदानों का स्रोत है. Therefore, और इसलिए, there is nothing that a man can feel prideful and important about it. और इसलिए कोई भी मनुष्य इसके विषय में अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकता है. A believer did not earn it, and he certainly does not deserve. एक विश्वासी इसको कमा नहीं सकता है और ना ही वो योग्य है. Another truth to remember is. और दूसरा सच्चाई जिसको याद रखना है वो ये है. There is nothing controversies about the gifts of the Spirit. और इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर कोई बात विवाद नहीं है. No controversy. कोई झगड़ा का कारण नहीं है. Because the gifts given by the Holy Spirit and He doesn't make mistake. और क्योंकि ये वरदान पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए हैं, पवित्र आत्मा कोई गलती नहीं करते. That whatever gifts are mentioned here, they all belongs to the Holy Spirit and Holy Spirit. और alone. जो कोई भी वरदान यहाँ पर लिखे गए हैं, वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए. And always remember, the Holy Spirit is not a spirit of division or confusion. और याद रखें, पवित्र आत्मा जो है वो किसी बंटवारे का या भ्रम का आत्मा नहीं है. And the Holy Spirit can give all the gifts of the Holy Spirit to different people. और पवित्र आत्मा ही अपने इन सारे वरदानों को अलग-अलग लोगों को दे सकते हैं.
He can give whatever spiritual gifts, grace to and grace to whomever he wants. और जिनको वो चाहते हैं वो इस वरदानों का अनुग्रह दे सकते हैं. If he wills, he can give new gifts and a new gift for meeting a special need in the church or in the world. और ये भी हो सकता है कि कोई विशेष आवश्यकता को कलीसिया में हो या संसार में हो उसको पूरा करने के लिए वो एक व्यक्ति को कुछ वरदान दे सकता है. एंड व्हाट कैन एनीवन कैन से एनीथिंग अगेंस्ट इट. और इसके विरोध में कोई भी मनुष्य क्या कह सकता है. हाउ कैन एनीवन से अबाउट और अगेंस्ट एनीवन थ्रू होम द गिफ्ट्स आर ऑपरेटेड. और कोई भी मनुष्य उस व्यक्ति के विषय में क्या बोल सकता है, उसके विरोध में क्या बोल सकता है जिसके द्वारा ये वरदान कार्य कर रहे हैं. And the Holy Spirit is the Spirit of God. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है. What is there to argue about it? और इसके पीछे बहस करने की क्या बात है. That makes no sense. और इसमें कोई मायने नहीं रखता है. And even choice, choosing a person through whom he wants to operate, that person himself doesn't have any say to it. और जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा चुनते हैं वो व्यक्ति भी स्वयं उसको चुन नहीं सकते हैं. Because he is simply available to the Holy Spirit. क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ उपलब्ध है पवित्र आत्मा के लिए कि वो इस्तेमाल किए जाए. So this argument answers that there should be no controversy and no argument about it. और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई बात विवाद या बहस नहीं होना चाहिए. And the second thing to notice is, और दूसरी बात जो हमें ध्यान देना है, there are different ministries or ways of serving. और अलग तरीके के सेवकाई है या अलग तरीके के सेवा करने के तरीके हैं. But they are all done by the authority of the same Lord. लेकिन ये सारे कार्य जो है वो एक ही प्रभु के अधिकार में किए जाते हैं. It is the Lord Jesus Christ who gives the believer the right and authority to minister in his name. ये प्रभु यीशु मसीह ही उस विश्वासी को वो अधिकार देता है और सामर्थ देता है कि उनके नाम में वो कार्य करें. No believer earns the merit to look upon by the Lord. और कोई भी विश्वासी जो है अपने खुद के ताकत से इस बात को कमा नहीं सकता है कि परमेश्वर उन्हें कोई अधिकार दे. In other words, दूसरे शब्दों में, if the Holy Spirit chooses me one day, अगर एक दिन पवित्र आत्मा मुझको चुनते हैं, and the Holy Spirit's gifts are being operated through me, और अगर पवित्र आत्मा के वरदान मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, it is not because I was better than anyone else, वो इसलिए नहीं कि मैं अगले इंसान से बेहतर हूँ, or I am worthy for this, या फिर मैं इसके योग्य हूँ, but simply because the Holy Spirit chooses, and He has the right to choose anyone whom He desires. लेकिन सिर्फ इसलिए कि पवित्र आत्मा के पास ही वो अधिकार है, वो सामर्थ है किसी को भी चुनने के लिए. Neither can anyone else, others can look on me as if I am something, someone special. और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमको देखकर उस बात को देख सकता है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ. All that the Spirit is looking for are people who are available to Him. पवित्र आत्मा सिर्फ ऐसे ही लोगों को खोजते हैं जो उनके लिए उपलब्ध हैं. So we all must understand this. So हम सभी को इस बात को समझना चाहिए. Because it is the same Lord. क्योंकि वो वही प्रभु है. And it is the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह है. And so it is not because a believer earns the merit. और यह इसलिए नहीं कि कोई विश्वासी इस अपने योग्यता को कमा सकता है. Therefore, so इसलिए, a believer must be humble and broken and thankful to the Lord for choosing him. एक विश्वासी को नम्र होना है, दीन होना है, और परमेश्वर के सामने दीन होना है और धन्यवादित होना है कि परमेश्वर ने उनको चुना है. But if a person
is chosen by the Holy Spirit and is being used, and if he is proud, and that will be the cause of his own fall. लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पवित्र आत्मा चुनता है, उसे इस्तेमाल करता है, और अगर वो व्यक्ति घमंडी हो जाए, तो फिर वो कारण बन जाएगा उसके गिरने का. So anyone who is used of the Holy Spirit must be humble and must not feel important. He must be broken in his heart and he must humbly give thanks to God. So जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा चुनता है अपने कार्य को करने के लिए, वो व्यक्ति को नम्र और दीन बनना है, परमेश्वर के सामने एक टूटे हृदय के साथ आना है और खुदा का कार्य को करना है. There is no reason for self-importance. और अपने स्वयं में अब महत्व महसूस करने का कोई कारण नहीं है. Super spirituality and arrogant service, and if that is evident in someone, that person will lose whatever God has given him. और अधिक आत्मिकता दिखाना और कोई व्यक्ति घमंडी हो जाए तो ये ही काफी है कि वो उस वरदान को खो सकता है. I have seen so many people who seem to have some gifts operating through that. These people, they become proud, they become arrogant, and they speak proudly, and thus ultimately he loses his standing before God. और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनको पवित्र आत्मा ने वरदान दिए हैं और बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य के लिए, लेकिन वो व्यक्ति फिर बाद में घमंडी बन जाते हैं और अपने आप को बढ़ाकर बोलते हैं और अंत में जाकर वो सारे बातों को खो देता है. And thirdly, और तीसरी बात, there are not only different ministries, और न सिर्फ अलग अलग सेवकाइयां पाए जाते हैं, but there are also different activities, लेकिन अलग अलग कार्य को भी हम देखते हैं, and different operations, और अलग अलग कार्य करने के तरीके. In carrying out various ministries, but it is the same God who works and gives. और अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है जो इन कार्यों को देता है और लोगों को इस्तेमाल करता है. And the power to do it all also comes from God. He is the source. और ये सारे कार्यों को पूरा करने के लिए भी ताकत वो परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर ही उसका स्रोत है. No man has a greater God or a greater claim to God. और कोई भी मनुष्य के पास कोई बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है और अपने आप को परमेश्वर का महत्वपूर्ण व्यक्ति दावा कर सकता है. And it is the same God who equips and empowers every believer to do the daily activities of the ministry. और ये परमेश्वर ही है जो उस व्यक्ति को प्रतिदिन उसको वो सामर्थ देता है, ताकत देता है और योग्य बनाता है कि उस कार्य को पूरा करे. In other words, दूसरे शब्दों में, no place for boastful pride. और घमंड होने का कोई स्थान नहीं है. And the nothing controversial about the spirit. और इसके विषय में, आत्मा के विषय में कोई भी झगड़ा का कारण नहीं है. Always remember this. हमेशा याद रखें. And so if you are available to the Holy Spirit, so इसलिए अगर आप उपलब्ध हैं पवित्र आत्मा के लिए, your life is clean, तो आपका जीवन फिर शुद्ध है, and you have a living relationship with the living God, और आपका एक जीवित रिश्ता है इस जीवित परमेश्वर के संग, you are a humble person, और आप अगर नम्र व्यक्ति हैं, God will be pleased to choose you and then use you to manifest some of his gifts through you. तो फिर परमेश्वर प्रसन्न होंगे कि आपको वो चुने और आपको कुछ विशेष वरदान दे, आपको इस्तेमाल करने के लिए उसके महिमा के लिए. So we all must remember one thing. So हम सबको एक बात याद रखना है. There are differences among the believers. विश्वासियों के बीच में भिन्नता पाया जाता है. And it is God who made the differences. और ये परमेश्वर ही है जिन्होंने मनुष्य को अलग-अलग बनाया है. For his own purposes. अपने ही उद्देश्य के लिए. The point to see is forceful here.
और जो बात हमें देखना चाहिए वो हमें देखना है. नो मैटर व्हाट नो मैटर द गिफ्ट्स मिनिस्ट्रीज एंड एक्टिविटीज दे आर ऑल गिवन बाय द सेम स्पिरिट बाय द सेम लॉर्ड एंड बाय द सेम गॉड. और चाहे कोई भी वरदान हो, चाहे कोई भी सेवकाई हो या कोई भी कार्य हो, वो सब एक ही आत्मा द्वारा, एक ही प्रभु द्वारा, एक ही परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं. गिफ्ट्स आर नॉट एंड कैनॉट बी वर्क्ड अप बाय द बिलीवर्स. और जो वरदान है वो विश्वासी अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकता है. एंड इफ एनी बिलीवर डस इट, और अगर कोई विश्वासी कोशिश करता है, विल नॉट बी जेन्युइन गिफ्ट, सो फिर वो सच्चे वरदान नहीं होंगे. नीदर आर दे अर्नड, और ना ही उनको कमाए जाते हैं, और मेरिटेड और डिसर्व्ड, या फिर कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं होता है किसी भी वरदान का. देयरफॉर, सो इसलिए ऑल फीलिंग्स ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, और जितने भी भावनाओं हैं अपने आप को महत्व महसूस करना, एंड ऑल कंट्रोवर्सीज नीड टू बी स्टॉप्ड, और सारे बात विवादों को रुकना चाहिए. सीक द फेस ऑफ गॉड, और परमेश्वर को के चेहरे को खोजे, एंड रिपेंट, और पश्चाताप करे, फॉर ऑल द कंफ्यूजन एंड फॉर ऑल द प्राइड डिस्प्लेड इन द चर्च. और जितना भी भ्रम है, जितना भी गड़बड़ी पैदा होता है जो कलीसिया में पाए जाते हैं, इट इज गॉड हु डिस्ट्रीब्यूट्स एंड गिव्स एज ही विल्स. और ये परमेश्वर के ऊपर है कि वो किसको देंगे और कौन सा वरदान देंगे. ही अलोन नोस what gifts are needed and whom to choose. और परमेश्वर ही जानते हैं कि कौन से वरदानों की आवश्यकता है और किसको चुनना है. So, if you turn to Romans, अगर आप रोमियो का पुस्तक खोलेंगे, chapter 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय, verse 6, उसका छठा पद. It says, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे. Then turn to Philippians. उसके बाद खोले फिलिपियों की पत्री, chapter 2, दूसरा अध्याय, verses 3 and 4, उसका तीसरा और चौथा आयत. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. और विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. हरेक अपने ही हित का नहीं, वरन दूसरों के हित का भी चिंता करें. Verse 3 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. तीसरे पद में लिखा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. Then in 1 Corinthians chapter 4, फिर पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, verse 7 says, सातवें आयत में लिखा है, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive?
And if you did receive it, why do you boast as though you did not? क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया है? और जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? These verses are very important for us to remember and keep in mind. और ये आयत सारे बहुत जरूरी है कि हम इसको याद रखें, अपने मन में रखें. There is no place for pride. और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं. There is no place for division. बंटवारे के लिए कोई स्थान नहीं. There is no place for controversies and division for pride. और गड़बड़ी और झगड़े और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है. In God's presence. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में. And in God's spirit. और परमेश्वर की आत्मा में. When you are controlled. और जब आपको नियंत्रण किया जाता है. You will not find a place for pride in your position and in your usefulness. तो फिर आप अपने आप में और आपके पदवी में और इस्तेमाल किए जाने में कोई घमंड महसूस नहीं करेंगे. In fact, I encourage all of you listening. और आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. The church or the congregation you are a part of. और जिस भी कलीसिया या सभा के हिस्से आप हैं. God wants to bless you and use you so that the entire congregation will be blessed because of your spirit and your humility. And though God is using you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, क्योंकि आपका आत्मा सही है और आप दीन है और नम्र है. So I encourage all of you to be available to the Holy Spirit. So मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध रहें. Because it is absolutely the Holy Spirit who chooses anyone. क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो किसी को चुनता है. And you just sit there in humility and say, Lord, I am here. I am available. और सिर्फ नम्रता और दीनता में आप परमेश्वर के सामने बैठे और कहे, प्रभु मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें. And you don't have to feel inferior to anyone simply because you are not chosen. और अगर आपको चुना नहीं जाता है, तो फिर आपको अपने आप को दूसरे से कम महसूस करने की आवश्यकता नहीं है. You keep on praising God and being blessed by the ministry of others. और आप लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, स्तुति करते रहे, और दूसरों की जो सेवकाई है, कार्य है, उनका आशीष लेते रहे. And your turn will come. और आपका समय जरूर आएगा. And God will use you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. So the more humble you are. So जितना दीन आप बनेंगे. The more broken you are in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जितने टूटे आप रहेंगे. You become a qualified candidate for the Holy Spirit to use you. तो फिर आप योग्य बनेंगे कि पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे. And so we close here this lesson. और इस समय हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करेंगे. We will continue the study of spiritual gifts. और हम आगे इस आत्माओं के वरदान के ऊपर हम अध्ययन जारी रखेंगे. So next Wednesday we shall consider chapter 12 verses 8 to 10. So अगले बुधवार को हम 8वें आयत से 10वें आयत तक हम देखेंगे. Meanwhile, इसके बीच में you continue to read this chapter. आप लगातार इस अध्याय को पढ़ते रहे. Until we finish this chapter. और जब तक हम इसे खत्म नहीं कर देते. And be familiar with God's word. और लगातार परमेश्वर के वचन से आप परिचित रहें. So that you can be used of God and you can be a channel of God's blessing to others. ताकि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएंगे. And God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. And enrich you. Through the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको तरोताजा करें. आमेन. आमेन.